हेलो एवरीवन, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ऑडिट अंडर जीएसटी लॉ, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का ऑडिट। नाउ ये चैप्टर पढ़ने से पहले ही मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं दैट देयर आर फ्यू थिंग्स दोज आर अमेंडेड और अल्टर्ड और चेंज्ड विच इज स्पेसिफिकली रिलेटिंग टू ऑडिट बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कॉस्ट अकाउंटेंट वाली प्रोविजंस में। बट अभी हम लोग जो ऑडिट अंडर जीएसटी लॉ है, जो पर्टिकुलर पॉइंट पर हमने फ्रीज किया है, हम उसी पॉइंट के हिसाब से पढ़ने वाले हैं। और वॉट एवर आर द चेंजेस और अमेंडमेंट्स दैट वी विल कवर अप इन अवर अमेंडमेंट सेशंस। अब ऑडिट अंडर जीएसटी लॉ वैसे देखा जाए तो इट इज कंप्लीटली थ्योरी टॉपिक, ये कंप्लीटली एक थ्योरी टॉपिक है। बट इसे पढ़ने से हमें क्या फायदा होगा कि ऑब्जेक्टिव में या फिर डिस्क्रिप्टिव में एक क्वेश्चन इस चैप्टर से जनरली पूछा ही जाता है, इधर इन दी ऑब्जेक्टिव पार्ट 1 मार्क के लिए और इन डिस्क्रिप्टिव पार्ट मोर देन 1 मार्क के लिए। तो इसे जब हम पढ़ रहे हैं और वाइल स्टडिंग दिस वी हैव टू बी केयरफुल दैट कि इसके अंदर जो टाइम लिमिट्स दी गई है, जो रिक्वायरमेंट्स दी है, यानी अगर फॉर एग्जाम्पल बोला है कि विद इन एक्सवाइजेड नंबर ऑफ वर्किंग डेज आपको ये पर्टिकुलर एक्टिविटी कंप्लीट कर लेनी है तो आपको वो याद रखना है। कोई अगर अथॉरिटी दी है, जैसे बोला है कि डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ जीएसटी ये काम कर सकता है या कमिश्नर ऑफ जीएसटी ये काम कर सकता है, तो आपको अथॉरिटी के बारे में भी पता होना चाहिए। एंड इन शॉर्ट, अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ने के बाद जो कंसेप्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया आपका जो रहेगा वो रहेगा टू लर्निंग और रट्टामाइजिंग दैट पोर्शन जिसके ऊपर ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव और फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ऑडिट अंडर जीएसटी लॉ। तो ये जब पढ़ रहे हैं हम लोग तो इसमें मेजरली हमें पढ़ना है व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ ऑडिट और उनके बारे में वेरियस डिटेल्स। अब अगर हम लोग शुरू करते हैं ऑडिट अंडर जीएसटी लॉ तो सबसे पहला सवाल हमको आना चाहिए कि व्हाट इज ऑडिट, ऑडिट क्या है। तो इन जनरल पार्लेंस आप लोगों को पता होगा दैट ऑडिट इज अ काइंड ऑफ वेरिफिकेशन, राइट। सो ऑडिट एक तरीके का क्या है, वेरिफिकेशन है, जहां पर आप करेक्टनेस और इनकरेक्टनेस और ट्रू एंड फेयर व्यू को जज करते हो या फिर वेरीफाई करते हो। सो ऑडिट इज अ काइंड ऑफ वेरिफिकेशन। बट सर जीएसटी ऑडिट में स्पेसिफिकली क्या है, वॉट इज देयर स्पेसिफिकली टू बी स्टडीड अंडर जीएसटी ऑडिट। तो जीएसटी ऑडिट जब होगा तो ये जीएसटी लॉ के परस्पेक्टिव से होगा या गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के परस्पेक्टिव से होगा। तो अगर हम जीएसटी ऑडिट करेंगे तो हमारा फोकस रहेगा कि जो भी जीएसटी लॉ के अंदर में जो भी कंप्लायंसेस करने हैं या आपकी जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की जो लाइबिलिटी बुक करनी है वो करेक्टली हुई है या नहीं हुई है। तो फर्स्ट मेजर थिंग दैट वी आर सपोज टू कवर अंडर जीएसटी ऑडिट इज दैट इज टू आइडेंटिफाई एंड जज कि आपने जीएसटी की लाइबिलिटी करेक्टली डिस्चार्ज की है या नहीं की है। जो भी आपकी लाइबिलिटी अंडर जीएसटी लॉ आ रही है, क्या वो आपने जितनी लाइबिलिटी ड्यू थी उतनी बुक की है या नहीं की है, या जितना आपको जीएसटी का लाइबिलिटी गवर्नमेंट को पे करना एक्सपेक्टेड था आपसे, आपने उतना पे किया है या नहीं पे किया है, इस एक पार्ट पर हमारा मेजर फोकस होता है। और अब ये जज करने के लिए और टू स्टडी दिस वी वेरीफाई सम मोर थिंग्स। सो इन शॉर्ट, जो भी आपने जीएसटी लॉ के अंदर में अभी तक जितने भी चैप्टर्स या जो भी आपने प्रोविजंस पढ़ी है, क्या वो प्रोविजंस ठीक से कंप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है, दैट इज वॉट वी आर सपोज टू वेरीफाई वाइल कंडक्टिंग जीएसटी ऑडिट। जैसे इसमें क्या क्या आ सकता है, सबसे पहले वॉट वी कैन वेरीफाई इन दिस, सबसे पहले एक तो सर आपने आपका सप्लाई या स्कोप ऑफ सप्लाई करेक्टली आइडेंटिफाई किया है या नहीं किया है। दूसरा सर, जहां जहां पे आपने कहा है कि ये पर्टिकुलर गुड्स और पर्टिकुलर सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट, तो आपने वो जो एग्जेम्प्शन क्लेम किया है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तीसरा, आप लोग ये चेक करोगे कि आपने टाइम ऑफ सप्लाई करेक्टली आइडेंटिफाई किया है या नहीं किया है।
चौथा आप लोग ये देखोगे कि आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई जो आपने बुक किया है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई करेक्ट है और इनकरेक्ट है अकॉर्डिंग टू लॉ। फिफ्थ वन आप चेक करोगे प्लेस ऑफ सप्लाई आपने करेक्ट जज किया है या नहीं किया है। एट द सेम टाइम आप ये भी चेक करोगे कि आपने जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि ITC जो भी क्लेम किया है वो सही है या गलत है, राइट तो ये जो मेजर हेड्स है इन सबका आप वेरिफिकेशन करोगे और ये जब आप वेरीफाई करोगे तो इन टर्न यू विल बी एबल टू असेस और जज कि जो GST लाइबिलिटी दिखाई गई है या बुक की गई है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। इसके अलावा फ्यू मोर थिंग्स विच यू आर गोइंग टू चेक और वेरीफाई इन द GST ऑडिट विच विल बी फ्रॉम द कंप्लायंस परस्पेक्टिव अब कंप्लायंस में हम लोग क्या क्या देखेंगे सर। कंप्लायंस में व्हाट वी आर गोइंग टू चेक कि आपके जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के जो रिटर्न्स है वो करेक्टली भरे गए हैं या नहीं भरे गए हैं, वो ड्यू डेट में आपने अपलोड किए हैं या सबमिट किए हैं या नहीं किए हैं या फाइल किए हैं या नहीं किए हैं। देन आपको जो भी डिपार्टमेंट से जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी या जो भी आपको कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी डिपार्टमेंट के साथ क्या वो आपने करेक्ट की है या नहीं की है, क्या आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स करेक्टली मेंटेन किए हैं या नहीं किए गए हैं, ये सब का भी चेक होगा कंप्लायंस के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। और बेस्ड ऑन दिस ए एंड बी, ये जो हमने ए एंड बी चेक किया है इसके बेसिस पर आप एक व्यू दोगे कि हैव यू फुलफिल्ड और हैव यू कंप्लाइड विद द GST लॉ एंड बेस्ड ऑन दैट क्या आपको कोई पेनल्टी है और एनी अदर मिसलेनियस एरिया जो आपको नेसेसरी लगता है फॉर वेरिफिकेशन और कंडक्टिंग GST ऑडिट। सो वी आर मेजर अवर मेजर फोकस ऑन GST ऑडिट इज टू वेरीफाई और टू फाइंड आउट कि वैल्यू ऑफ सप्लाई करेक्टली है या नहीं है, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो क्लेम किया है उसकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हुई है या नहीं हुई है और आपने GST का जो लाइबिलिटी है वो गवर्नमेंट के अकाउंट में करेक्टली डिस्चार्ज किया है या नहीं किया गया है। दिस इज द मेजर पर्पज ऑफ कंडक्टिंग GST ऑडिट। सो GST ऑडिट जब हम कर रहे हैं सो वॉट इज अवर मेजर फोकस, अवर मेजर फोकस इज ऑन द एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स रिटर्न्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स maintained or furnished by the registered person under this act or rules made thereunder so that you are able to verify correctness of the turnover, kyunki turnover agar incorrect hoga to aapka GST ka liability plus minus hoga, correctness of the taxes paid, refund agar aapne claim kiya to correctness of the refund claim, input tax credit availed wo correct hai incorrect hai and assess the compliance under this act। to jo humne step by step डिटेल में डिस्कस किया उसको शॉर्ट फॉर्म में हम इस तरीके से बता सकते हैं कि GST ऑडिट करने का मेजर पर्पस ये होता है टू वेरीफाई कि आपने जो टर्नओवर रिपोर्ट किया है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, जो टैक्सेस आपके ऊपर ड्यू थे क्या आपने वो पे किए हैं, जो रिफंड आप क्लेम कर रहे हो क्या आपने वो रिफंड सही से क्लेम किया है, ऐसा तो नहीं है कि आपका रिफंड ड्यू था मान लेते हैं 1 लाख रुपीज और आपने मोर देन 1 लाख रुपीज क्लेम किया है, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने अवेल्ड किया है उसके जो रिलेटेड कंडीशंस थे या जो उससे रिलेटेड जो भी कंप्लायंसेस थे क्या आपने वो पूरे किए हैं या नहीं किए हैं, एंड एनी अदर थिंग अंडर दिस GST लॉ यू आर गोइंग टू वेरीफाई। अब सवाल आता है व्हाट आर वेरियस काइंड्स ऑफ ऑडिट। तो GST लॉ के अंदर देयर आर टोटल 4 काइंड्स ऑफ ऑडिट, 4 तरह के ऑडिट्स होते हैं GST लॉ के अंदर। एक होता है ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज, एक होता है स्पेशल ऑडिट, एक होता है एनुअल ऑडिट बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट, और एक होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल्स ऑडिट यानी कि CAG ऑडिट। तो जब मैं बात कर रहा हूं काइंड्स ऑफ ऑडिट अंडर GST लॉ, तो सर GST लॉ के अंदर में मेजरली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑडिट, ठीक है। तो एक ऑडिट है हमारे पास में ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज, तो वन इज ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज, तो ये हो गया एक पार्ट। दूसरा स्पेशल ऑडिट,
सो सेकंड ऑन सेकंड नंबर वी हैव स्पेशल ऑडिट. ऑन थर्ड नंबर वी हैव एनुअल ऑडिट बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट. एंड ऑन फोर्थ वी हैव कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल्स ऑडिट यानी कि सीएजी ऑडिट. अब आउट ऑफ दिस फोर ऑडिट्स जीएसटी लॉ में हमारा मेजर फोकस रहेगा ऑन दिस वन टू एंड थ्री. एक दो और तीन के ऊपर हमारा मेजर फोकस रहेगा. ये जो फोर्थ नंबर का ऑडिट है इसके ऊपर हमें ज्यादा फोकस रखना नहीं है. ऐसा क्यों है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ये जो फोर्थ नंबर का ऑडिट है, दिस ऑडिट इज ऑडिट ऑफ जीएसटी डिपार्टमेंट. मतलब सीएजी करके एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. ये बॉडी जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज या स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट या इनकी जो बॉडीज है वो जो भी काम करते हैं उनका ऑडिट सीएजी के थ्रू होता है. ठीक है, तो ये सीएजी ऑडिट हो रहा है. मतलब क्या हो रहा है, जीएसटी डिपार्टमेंट में जाके जीएसटी डिपार्टमेंट का ऑडिट हो रहा है. वहां पे चेक ये किया जाएगा कि जो भी जीएसटी के ऑफिसर्स ने या ऑफिशियल्स ने जो भी असेसमेंट्स किया है या जो भी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट किया है या जो भी पेनल्टी असेस किया है, क्या वो करेक्ट है और इनकरेक्ट है. इन्होंने जो भी प्रोसीजर्स फॉलो करनी चाहिए थी क्या वो प्रोसीजर्स करेक्टली फॉलो किया है या नहीं किया है. क्या यहाँ पर कोई करप्शन है क्या या वेस्ट ऑफ मनी और वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस है क्या, ये सारी चीजें चेक की जाएगी. यानी सीएजी किसी भी बिजनेसमैन के यहाँ पे या किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन के यहाँ पर आकर ऑडिट नहीं करेगा. सीएजी जीएसटी डिपार्टमेंट को ऑडिट करेगा. तो इसीलिए जीएसटी लॉ में हमें सीएजी ऑडिट के बारे में ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. हाउएवर आपका जो ऑडिट का जो पेपर होता है, ऑडिट के पेपर में जो सीएजी ऑडिट और गवर्नमेंट ऑडिट से रिलेटेड जो भी कंटेंट है, अगर आपने वो कंटेंट पढ़ के रखा है तो वो सेम कंटेंट का आंसर आप ऑडिट के पेपर में भी लिख सकते हो. और अगर इन बाय एनी चांस अगर जीएसटी लॉ के अंदर में भी अगर वो सीएजी ऑडिट के बारे में कुछ पूछता है तो आप वहां पर भी उसका जवाब या फिर उसका आंसर लिख सकते हो. So for us, this CAG audit is not a thing to be discussed here. ठीक है, major हमारा focus रहेगा 1, 2, 3 के तरफ, जहाँ पे हमने कहा audit by tax authorities, दूसरा है special audit और तीसरा है annual audit by a chartered accountant or a cost and works accountant. इनके ऊपर वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे. वन बाय वन वी आर गोइंग टू स्टडी दिस. सो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं ऑडिट अंडर सेक्शन 65 एंड 66, जिसको हम कहते हैं पहला है ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज अंडर सेक्शन 65. सो ये सेक्शन आपको याद रखने की जरूरत है. यू आर सपोज टू बाय हार्ट दिस सेक्शन. अगर एग्जाम में इसका सेक्शन पूछे तो आपको लिखते आना चाहिए. अब इसमें सबसे पहली बात, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, कमिश्नर ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी और एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड. यानी ये जो ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज है इसका सिंपल वर्ड्स में मीनिंग क्या है, जीएसटी डिपार्टमेंट के लोग आपके रजिस्टर्ड पर्सन के ऑफिस में या उसके प्रीमाइसेस में आएंगे और उसको ऑडिट करेंगे. यानी डिपार्टमेंट से लोग आएंगे, जो जीएसटी डिपार्टमेंट है उनका जो एम्प्लॉयज या स्टाफ है वहां से लोग आपके प्रीमाइसेस पर आएंगे एंड एट योर प्रीमाइसेस और बाय कॉलिंग बुक्स ऑफ अकाउंट इन देयर ऑफिस वो आपका असेसमेंट करेंगे कि आपने टैक्स लायबिलिटी करेक्टली कैलकुलेट किया है या नहीं किया है, आपने टर्नओवर करेक्टली असेस किया है या नहीं किया है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट के लोग आपका ऑडिट करेंगे, राइट. सो दिस ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज में पहला पॉइंट है दैट कमिश्नर ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी और एनी अदर ऑफिसर इज ऑथराइज्ड टू डू दिस ऑडिट. ठीक है, दूसरा ये जो ऑडिट होना है ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, इट कैन बी फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड और एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एंड इन एनी पर्टिकुलर मैनर. मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का ही ऑडिट होगा, वो चाहे तो किसी एक क्वार्टर का या सिक्स मंथ्स का भी ऑडिट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट एंड बेस्ड ऑन द टाइम एंड नेसेसिटी. तीसरा,
दिस ऑडिट कैन बी एट द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन और इन देयर ऑफिस, यानी कि ये जो जीएसटी डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स है वो आपके प्लेस ऑफ बिजनेस पर आकर भी आपको ऑडिट कर सकते हैं, या फिर आपसे कह सकते हैं कि भाई आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट और आपका सारा जो भी रिकॉर्ड्स है या डिटेल्स है आप हमें हमारे ऑफिस में लाके दो, मतलब जीएसटी डिपार्टमेंट के ऑफिस में लाके दो, वो पर्टिकुलर कमिश्नर के ऑफिस में आप लेकर आओ और वहां पर भी ऑडिट कर सकते हैं। बट बिफोर बिगिनिंग ऑफ दिस ऑडिट, ये ऑडिट शुरू करने से पहले जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है उसे एटलीस्ट 15 वर्किंग डेज की प्रायर नोटिस देना जरूरी है। मतलब एज अ रजिस्टर्ड पर्सन अगर मुझे आपका ऑडिट करना है, सॉरी लेट्स चेंज द वर्ड्स, मान लेते आप लोग रजिस्टर्ड पर्सन हो और मैं कमिश्नर ऑफ सीजीएसटी हूं, सो यू आर अ रजिस्टर्ड पर्सन एंड आई एम कमिश्नर ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी, आई वॉन्ट टू कंडक्ट ऑडिट एट योर प्रीमाइसेस, या मुझे आपका ऑडिट करना है, तो ऑडिट स्टार्ट करने से पहले बिफोर आई बिगिन दैट ऑडिट आई एम सपोज टू गिव यू अ नोटिस ऑफ 15 वर्किंग डेज। 15 वर्किंग डेज की मुझे प्रायर नोटिस देना जरूरी है, नेसेसरी है, और ये नोटिस का फॉर्म नंबर है GST ADT 01। तो ये फॉर्म नंबर आपको याद रखना है बिकॉज फॉर्म नंबर्स भी पूछ सकते हैं। तो ये मैंने आपको नोटिस दे दिया और आपका ऑडिट स्टार्ट हो गया। अब ऑडिट अगर स्टार्ट हो गया तो ऑडिट स्टार्ट होने के बाद में ऑडिट कंप्लीट भी होना चाहिए, तो उसका टाइम लिमिट दिया गया है दैट दिस ऑडिट शुड बी कंप्लीटेड बाय कमिश्नर और एनी अदर ऑथराइज्ड ऑफिशियल विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट। यानी जिस दिन ऑडिट कमेंस होगा या ऑडिट स्टार्ट होगा उसके बाद विद इन 3 months आपका ऑडिट कंप्लीट हो जाना चाहिए, बट दिस पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर बाय 6 months बाय कमिश्नर्स। यानी जो 3 महीने का पीरियड है ये 6 महीने से एक्सटेंड हो सकता है, और ये एक्सटेंड कौन कर सकता है? कमिश्नर कर सकता है। और ऑडिट हो जाने के बाद, वंस ऑडिट इज कंप्लीटेड, द रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट टू बी इंटीमेटेड विद इन 30 days इन द फॉर्म नंबर GST ADT 02 एंड फर्दर एक्शंस कैन बी टेकन। ऑडिट कंप्लीट हो गया, तो ऑडिट कंप्लीट होने के बाद में विद इन 30 days जो भी ऑडिट रिपोर्ट है या जो भी उसका रिजल्ट है वो हमें कम्युनिकेट करना पड़ेगा एज अ कमिश्नर और एज अ जीएसटी ऑफिशियल। तो ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज में हमने क्या क्या चीजें देखी है जो हमें ध्यान रखनी है, कुछ और चीजें भी हम इसमें देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज, ठीक है, ये जब मैं देख रहा हूं विच इज गिवन अंडर सेक्शन 65, ये जब हम देख रहे हैं तो इसमें कुछ पॉइंट्स हमें याद होने चाहिए, फिर चाहे वह हमें एमसीक्यू का आंसर करना हो या इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी लिखनी हो तो भी। पहला पॉइंट फर्स्ट जो हमें पता होना चाहिए, हमने क्या कहा, ये ऑडिट कौन डायरेक्ट कर सकता है या कौन ऑर्डर कर सकता है, हु कैन डायरेक्ट दिस पर्टिकुलर ऑडिट और हु कैन ऑर्डर दिस पर्टिकुलर ऑडिट, तो उसमें हमने कहा कमिश्नर ऑफ सीजीएसटी, राइट। सो ये ऑडिट करने के पावर्स किसके पास में है? कमिश्नर के पास में। कमिश्नर और एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज्ड, फिर चाहे वो सीजीएसटी लॉ के अंदर में हो, एसजीएसटी लॉ के अंदर में हो, चलेगा। सो कमिश्नर बोलेगा या कमिश्नर का एनी अदर ऑथराइज्ड ऑफिशियल बोलेगा कि हमें ये पर्टिकुलर ऑडिट करना चाहिए या इसे हमें करने की जरूरत है। बी, अब ये तो हो गया, ऑडिट कैन बी फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड और एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, राइट। सो इट कैन बी फॉर एनी पीरियड, ऐसा कोई मैंडेट नहीं है या ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं है कि ये पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए ही होना चाहिए या पर्टिकुलर क्वार्टर के लिए ही होना चाहिए, ये किसी भी पीरियड के लिए हो सकता है। दिस कैन बी एट द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन और एट द कमिश्नर्स ऑफिस। सो दिस ऑडिट कैन बी कंडक्टेड एट
एट प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन और एट कमिश्नर्स ऑफिस, ठीक है, वहां पर भी हो सकता है। देन नेक्स्ट थिंग जो हमें ध्यान रखनी है कि एटलीस्ट 15 वर्किंग डेज की नोटिस देनी जरूरी है, राइट? सो प्रायर नोटिस ऑफ 15 वर्किंग डेज रिक्वायर्ड, और इसका फॉर्म नंबर है, ऑडिट का नोटिस का फॉर्म नंबर क्या है, ADT 01। ध्यान रखना है यहां पे वर्ड यूज किया गया है 15 वर्किंग डेज, 15 डेज ये वर्ड यूज नहीं किया गया है, वर्ड यूज किया गया 15 वर्किंग डेज। सो डेज एंड वर्किंग डेज का डिफरेंस हमें पता होना चाहिए, यानी यहां पे हॉलीडेज को एक्सक्लूड करना है, राइट? अगर 15 डेज वर्ड होता तो फिर हॉलीडे को भी इंक्लूड करना होता। सो अगर बीच में कहीं पर अगर हॉलीडे वगैरह तो उसको एक्सक्लूड करके मिनिमम 15 वर्किंग डेज की नोटिस देना मैंडेटरी है। देन ई, ऑडिट टू बी कंप्लीटेड within how many number of months, within 3 months from commencement, and this can be extended further by 6 months by commissioner. So within 3 months from commencement of audit, right, and this period can be extended By 6 months, 6 महीने के लिए एक्सटेंशन मिल सकता है, और ये एक्सटेंशन कौन दे सकता है, दिस कैन बी गिवन बाय कमिश्नर। राइट? सो अगर कमिश्नर को लगता है कि भाई 3 महीने में ऑडिट नहीं हो पा रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स है या कुछ इश्यूज है, तो उस पीरियड को 6 महीने से एक्सटेंड भी कर सकते हैं। एंड ऑडिट रिजल्ट्स टू बी intimated or communicated within 30 days in form GST ADT 02. So F, audit results हमें कितने days में देने के है, within 30 days, यहाँ पे days word है और इसका form number है ADT 02, ठीक है। दिस इज वॉट अ शॉर्ट कंटेंट, वी नीड टू बी अवेयर अबाउट इट। अब यहां पे एक वर्ड यूज किया गया है, कमिंसमेंट। तो सर कमिंसमेंट ऑफ ऑडिट का मतलब क्या है, क्योंकि कमिंसमेंट के बाद 3 महीने के अंदर में ऑडिट कंप्लीट हो जाना चाहिए। सो हमें यह पता होना चाहिए डेट ऑफ कमिंसमेंट ऑफ ऑडिट, इस पर्टिकुलर वर्ड का क्या मीनिंग है। सो कमिंसमेंट ऑफ ऑडिट का मतलब है लेटर ऑफ, दो डेट्स हम पढ़ेंगे, whichever is later. So letter of, records called for and made available, or actual institution of audit at place of business. मतलब अगर मैंने जो आपसे जो भी books of accounts बुलाए हैं या जो भी records बुलाए हैं, वो records मुझे जिस दिन मिल गए वो date, या फिर आपके place of business पे जब मैं actual में audit शुरू कर रहा हूँ वो date, उन दो date में से whichever is later is known as date of commencement of audit. तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट का मतलब ये होता है कि जो भी रिकॉर्ड्स मैंने आपसे बुलाए हैं वो मुझे मिल चुके हैं वो डेट, या फिर आपके प्लेस ऑफ बिजनेस में एक्चुअल ऑडिट स्टार्ट होने का डेट विच एवर इज लेटर विल बी नोन एज डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट, ये आपको पता होना चाहिए, राइट? सो कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट का मतलब क्या है, सो हमने कहा कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट यानी ऑडिट आपका शुरू हो चुका है, हम वो कब से मानेंगे,
सो आपका कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट का मतलब यह है लेटर ऑफ वन, लेटर ऑफ टू इवेंट्स है, रिकॉर्ड्स कॉल्ड फॉर मेड अवेलेबल, तो हम कहेंगे रिकॉर्ड्स मेड अवेलेबल, जो भी रिकॉर्ड्स मैंने आपसे बुलाए हैं एज अ जीएसटी ऑफिशियल और एज अ कमिश्नर, वो मुझे मिल गए वो डेट, या फिर एक्चुअल इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑडिट, या फिर एक्चुअल स्टार्ट ऑफ ऑडिट एट योर प्लेस ऑफ बिजनेस, इन दो डेट्स में से विच एवर इज लेटर, बराबर है, ये होगा आपका आपका कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट। तो ऑडिट कमेंस होने के बाद, ऑडिट कमेंस होने के बाद विद इन थ्री मंथ्स, और दिस पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड अप टू सिक्स मंथ्स बाय कमिश्नर, आपको अपना ऑडिट कंप्लीट कर देना पड़ेगा। अब आते हैं स्पेशल ऑडिट के बारे में। एक तो हमने पढ़ लिया ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज सेक्शन 65, तो हमने देख लिया। अब आते हैं स्पेशल ऑडिट के बारे में, ठीक है। अब जो ये जो स्पेशल ऑडिट है, इसे शुरू करने से पहले एक प्री कंडीशन है, मतलब स्पेशल ऑडिट तभी डायरेक्ट किया जा सकता है व्हेन अ प्री कंडीशन टू दिस स्पेशल ऑडिट इज सेटिस्फाइड। सो प्री कंडीशन क्या है? द प्री कंडीशन इज योर प्रोसीडिंग्स मस्ट बी पेंडिंग बिफोर एनी ऑफिसर, मतलब आपकी जो केस है या आपकी जो फाइल है वो जीएसटी डिपार्टमेंट के पास में पेंडिंग होनी चाहिए, यानी आपका कोई असेसमेंट या कोई और तरह की प्रोसीडिंग मस्ट बी पेंडिंग। सो हमने क्या कहा, ये जो स्पेशल ऑडिट है अंडर सेक्शन 66, ये कब हो सकता है? इट कैन बी डन ओनली व्हेन प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग बिफोर एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, मतलब आपकी फाइल या आपकी कोई केस या आपका कोई असेसमेंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ जीएसटी या उसके ऊपर के रैंक के पास में आपकी फाइल पेंडिंग होनी चाहिए। और ये असिस्टेंट कमिश्नर को ऐसे लग रहा है कि ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट है ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, अकाउंटिंग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, और वो जो असिस्टेंट कमिश्नर है उसको वो समझने में या इंटरप्रिट करने में दिक्कत जा रही है। सो द नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी के वजह से उसे लग रहा है कि मैंने स्पेशल ऑडिट कंडक्ट करवाना चाहिए सो दैट गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू जनरेशन है बाय वे ऑफ जीएसटी उसको प्रोटेक्शन मिले। सो नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द केस एंड इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू टू बी कंसिडर्ड, यानी मान लेते हैं ए लिमिटेड नाम का एक रजिस्टर्ड पर्सन है, ए लिमिटेड की कोई केस असिस्टेंट कमिश्नर के पास में पेंडिंग है, और असिस्टेंट कमिश्नर को लग रहा है कि इसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, या जो केस इसमें इन्वॉल्व जो है या जो नेचर जो इन्वॉल्व है ट्रांजेक्शन्स का वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो रेवेन्यू का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए, रेवेन्यू का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो स्पेशल ऑडिट है ये करने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन ये करने से पहले, ये स्पेशल ऑडिट को डायरेक्ट करने से पहले, ये जो हमारा जीएसटी डिपार्टमेंट है ये पहले आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, आपसे पूछेगा कि हम ये सोच रहे हैं कि आपका स्पेशल ऑडिट करवाने की नीड है या रिक्वायरमेंट है, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी। तो आप बोलोगे कि मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट तो कॉम्प्लेक्स नहीं है सर, कोई ऐसा ट्रांजैक्शन आड़ा टेढ़ा तो नहीं है सर, तो आप स्पेशल ऑडिट क्यों कर रहे हो, तो डिस्कशन वगैरह हो सकता है। अगर आप ये प्रूव कर दिए कि दैट देयर इज नो नीड ऑफ स्पेशल ऑडिट, तो आपका स्पेशल ऑडिट नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये प्रूव नहीं कर पाए तो आपका स्पेशल ऑडिट किया जाएगा, ठीक है। बट ये जो स्पेशल ऑडिट करना है, ये जो स्पेशल ऑडिट करना है, इसके लिए दो चीजों का ओपिनियन इज नेसेसरी, एक तो करेक्ट वैल्यू नॉट डिक्लेयर्ड, या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट विद इन द लिमिट्स, यानी जो वैल्यू ऑफ सप्लाई आपने डिक्लेयर किया है वो करेक्ट नहीं है, ऐसा ओपिनियन होना चाहिए, या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने एक्सेस क्लेम किया ये भी ओपिनियन होना चाहिए, या फिर, तो दोनों केस में क्या होगा, अगर वैल्यू आपकी बढ़ी तो जीएसटी की लायबिलिटी बढ़ेगी, इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर आपका कम हुआ तो भी जीएसटी की लायबिलिटी बढ़ेगी, तो एनीवेज गवर्नमेंट का फायदा होगा। बट ये स्पेशल ऑडिट इंस्टीट्यूट करने के पहले, बिफोर स्टार्टिंग ऑफ दिस स्पेशल ऑडिट, प्रायर अप्रूवल ऑफ कमिश्नर इज रिक्वायर्ड, यानी अगर आपकी फाइल असिस्टेंट कमिश्नर के पास में पेंडिंग है तो
स्पेशल ऑडिट कैन बी डायरेक्टेड बट विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द कमिश्नर, वो हम कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपका ऑडिट होने वाला है इन फॉर्म नंबर जीएसटी ADT 03 के अंदर, ठीक है। और ये ऑडिट कौन करेगा, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा या कॉस्ट अकाउंटेंट करेगा, दोज आर नॉमिनेटेड बाय द कमिश्नर। बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड कॉस्ट अकाउंटेंट्स आर इम्पैनल्ड विद द जीएसटी डिपार्टमेंट फॉर द पर्पज ऑफ स्पेशल ऑडिट। और अगर आप जीएसटी डिपार्टमेंट के पास में या उनके साथ में इम्पैनल्ड अगर हो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट, तो जो भी स्पेशल ऑडिट्स करने हैं तो वो जो भी इम्पैनल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट है उनमें से किसी एक से आप अपना स्पेशल ऑडिट करवा सकते हो जिसको नॉमिनेट कमिश्नर करेगा। और हमें बीइंग अ प्रोफेशनल वी आर कंडक्टिंग द ऑडिट, बीइंग अ सीए और कॉस्ट अकाउंटेंट हम लोग ऑडिट करेंगे, सो वी हैव टू सबमिट दिस रिपोर्ट। दिस ऑडिट रिपोर्ट इज टू बी सबमिटेड विद इन 90 डेज। तो हमारी ये जो ऑडिट रिपोर्ट है वो 90 डेज यानी कि 90 दिन के अंदर में सबमिट हो जानी चाहिए। और ये 90 दिन का पीरियड इट कैन बी एक्सटेंडेड बाय फर्दर 90 डेज बाय असिस्टेंट कमिश्नर। अगर असिस्टेंट कमिश्नर चाहे तो उसको 90 दिनों से क्या कर सकता है, एक्सटेंड भी कर सकता है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये ऑडिट करने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलनी चाहिए या देना जरूरी है, ठीक है। तो ऑडिट अंडर सेक्शन 66 यानी कि हम बात करें स्पेशल ऑडिट की, आपको ये भी सेक्शन याद रखने की कोशिश करनी है, ठीक है। सो वी आर टॉकिंग नाउ अबाउट द स्पेशल ऑडिट, हम लोग स्पेशल ऑडिट के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने क्या कहा, सो व्हाट वी सेड स्पेशल ऑडिट ये कौन करेगा, बाय नॉमिनेटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट, ये लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट नॉमिनेट करेंगे ये लोग कर सकते हैं, लेकिन ये करने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स है। तो पहला फर्स्ट पॉइंट हमने क्या कहा, प्रोसीडिंग्स मस्ट बी पेंडिंग एट असिस्टेंट कमिश्नर और हिज अबव रैंक। तो असिस्टेंट कमिश्नर या उसके ऊपर के रैंक वाले के ऑफिसर के पास आपकी प्रोसीडिंग्स या आपकी जो केस है वो पेंडिंग होनी चाहिए, राइट। और ये अगर है आपके पास में तो आपको ये भी बोलना पड़ेगा, इफ दिस केस इज पेंडिंग देन यू विल से complexity requires special audit। तो जो भी transaction है उसमें complexity कुछ ऐसी है जहां पे special audit की requirement है, जहां पे हम कहेंगे value of supply not correct। तो जो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई आपने डिक्लेयर किया है वो नॉट करेक्ट है यानी कि कम है, या फिर एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम्ड और अवेल्ड। तो आपके लिए जो आईटीसी के लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी थी आपने उससे ज्यादा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया या अवेल किया, और ये हम ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है इन सब में हम एक चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे, टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, यानी जो गवर्नमेंट का जो जीएसटी का रेवेन्यू का कलेक्शन है उसका प्रोटेक्शन करने के लिए ही हम लोग ये स्पेशल ऑडिट करने की बात कर रहे हैं। अगर ये हुआ तो बहुत अच्छी बात है सर, यहां तक के तो सर सब कुछ ठीक है, लेकिन इसे डायरेक्ट करने के लिए प्रायर अप्रूवल ऑफ कमिश्नर इज रिक्वायर्ड, ठीक है। सो इसको करने के लिए प्रायर अप्रूवल
ऑफ कमिश्नर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ध्यान रखना है केस पेंडिंग शुड बी एट असिस्टेंट कमिश्नर, बट प्रायर अप्रूवल किसका चाहिए? कमिश्नर का चाहिए। और ये ऑडिट कंप्लीट करने का जो पीरियड है उसका जो एक्सटेंशन जो देना है या एक्सटेंशन जो करना है वो असिस्टेंट कमिश्नर भी कर सकता है, वो भी हमें ध्यान रखना है। सो प्रायर अप्रूवल ऑफ कमिश्नर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू अस। इसके बाद फर्दर वॉट वी आर सपोज टू डू और सपोज टू बी डन, ये जो ऑडिट है इसका फॉर्म नंबर GST IDT 03 है, ठीक है ना, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ऑडिट बाय कॉस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट एज नॉमिनेटेड, तो हमने ऊपर ही कह दिया नॉमिनेटेड कॉस्ट अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकते हैं। ऑडिट रिपोर्ट टू बी सबमिटेड विद इन 90 डेज, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो ऑडिट होने के बाद हम क्या कहेंगे, ऑडिट रिपोर्ट विद इन हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज, 90 डेज। और ये जो 90 डेज का पीरियड है इट कैन बी एक्सटेंडेड बाय कब तक एक्सटेंड हो सकता है, फर्दर 90 डेज। और ये एक्सटेंशन कौन देगा, ये एक्सटेंशन देगा बाय असिस्टेंट कमिश्नर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि केस पेंडिंग होनी चाहिए असिस्टेंट कमिश्नर के पास, ओके, प्रायर अप्रूवल लेना है कमिश्नर का, और एक्सटेंशन भी कौन देगा, असिस्टेंट कमिश्नर देगा। यानी जनरली ऑडिट रिपोर्ट 90 डेज के अंदर में दे देनी है, बट ये 90 डेज का जो पीरियड है इट कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड बाय 90 डेज बाय असिस्टेंट कमिश्नर ओनली, और इसका फॉर्म नंबर है GST ADT 03। तो इसका जो रिपोर्ट का जो फॉर्म नंबर है वो है GST ADT 03। आपको ये भी ध्यान रखना है क्योंकि फॉर्म नंबर भी पूछ सकते हैं हमें ऑब्जेक्टिव्स और MCQs में, तो हमें ये भी ध्यान रखना है। और ये सब करने के लिए जो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी चाहिए, राइट, सो हम वो भी लिख लेते हैं कि भाई अपॉर्चुनिटी of being heard is to be provided to registered person, यानी जिस person का ये आप special audit कर रहे हो उस person को opportunity of being heard देना जरूरी है। तो ये इसमें क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले बात कि आपकी प्रोसीडिंग्स मस्ट बी पेंडिंग एट असिस्टेंट कमिश्नर, और कॉम्प्लेक्सिटी या जो बुक्स ऑफ अकाउंट या कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस इज सच दैट वैल्यू ऑफ सप्लाई कैन नॉट बी असेस्ड करेक्टली, या फिर आपने एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया इन द ओपिनियन ऑफ द असिस्टेंट कमिश्नर, देन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द रिवेन्यू आफ्टर टेकिंग प्रायर अप्रूवल ऑफ कमिश्नर स्पेशल ऑडिट कैन बी ऑर्डर्ड, बट बिफोर ऑर्डरिंग दिस स्पेशल ऑडिट अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना जरूरी है। इसका जो ऑडिट है वो कौन कर सकता है, नॉमिनेटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट कर सकते हैं। ऑडिट रिपोर्ट विद इन 90 डेज सबमिट करना है, ये पीरियड फर्दर 90 डेज से एक्सटेंड कर सकता है कौन, असिस्टेंट कमिश्नर, फॉर्म नंबर है GST ADT 03 ऑडिट रिपोर्ट का। हैविंग स्टडीड टिल दिस पॉइंट, ठीक है, अब सवाल आएगा कि सर इसका एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा ये स्पेशल ऑडिट का, राइट, तो हमने कहा एक्सपेंसेस ऑफ ऑडिट इंक्लूडिंग रिम्यूनरेशन शैल बी डिटरमाइंड एंड पेड बाय द कमिश्नर। तो ये जो भी ऑडिट का एक्सपेंस है या जो भी इसका रिम्यूनरेशन है ये डिटरमाइन और पेड कौन करेगा, कमिश्नर पेड करेगा, यानी कि GST डिपार्टमेंट पेड करेगा, हमें एज अ रजिस्टर्ड पर्सन पे करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या कहेंगे इसमें, एक्सपेंसेस ऑफ ऑडिट ऑडिट इंक्लूडिंग
ऑडिटर्स रिम्यूनरेशन, इज डिटरमाइंड एंड पेड बाय कमिश्नर, यानी जो भी ऑडिट का खर्चा होगा या उसका जो भी रिम्यूनरेशन होगा वो डिटरमाइन भी कमिश्नर ऑफ जीएसटी करेगा और पेड भी कमिश्नर ऑफ जीएसटी करेगा, मतलब असेसी को या रजिस्टर्ड पर्सन को उसका कोई खर्चा होने वाला नहीं है। अब यहां तक पढ़ने के बाद ये एक टेबल है जहां पे हम बता रहे हैं डिफरेंस बिटवीन ऑडिट अंडर सेक्शन 65 एंड ऑडिट अंडर सेक्शन 66। ये डिफरेंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज एग्जाम में डायरेक्टली 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज एंड स्पेशल ऑडिट, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑडिट अंडर सेक्शन 65 एंड ऑडिट अंडर सेक्शन 66, इन दोनों का डिफरेंस आप बताओ, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन दीज टू थिंग्स, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। तो पहला, ये जो नेचर ऑफ ऑडिट है, ये जो नेचर ऑफ ऑडिट है, सो ऑडिट अंडर सेक्शन 65 इज डिपार्टमेंटल ऑडिट, मतलब जीएसटी डिपार्टमेंट के लोग खुद आपके यहां पर आएंगे और आपका ऑडिट करेंगे। और ये जो है 66 वाला क्या है, इसका तो नाम ही है दैट इट इज अ स्पेशल ऑडिट। सो ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज में ऑडिट कौन करता है, दिस इज टू बी कंडक्टेड बाय ऑफिसर्स ऑफ द जीएसटी डिपार्टमेंट एज ऑथोराइज्ड बाय द कमिश्नर। और ये जो स्पेशल ऑडिट है ये कौन कर सकता है, एक नॉमिनेटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट कर सकते हैं। ये जो जीएसटी डिपार्टमेंट का ऑडिट जो होता है, यहाँ पे प्रायर नोटिस ऑफ 15 वर्किंग डेज इज रिक्वायर्ड, राइट, और यहां पर नो सच नोटिस इज रिक्वायर्ड। ये जो डिपार्टमेंट का जो ऑडिट है, इट इज टू बी कंप्लीटेड विद इन 3 मंथ्स, इट कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड बाय 6 मंथ्स एज रिक्वायर्ड, बराबर है। सो ये फर्दर 6 मंथ से एक्सटेंड हो सकता है, 3 महीने में वैसे तो हो जाना चाहिए, बराबर है, तो ये हमें ध्यान रखना है। देन ये कंप्लीट हो जाना चाहिए 90 डेज के अंदर में, और एक्सटेंशन कितने का मिलेगा, सिर्फ 90 डेज का मिलेगा। ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट फाइंडिंग आपको सबमिट करनी है, यहां पर भी ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट फाइंडिंग आपको सबमिट करनी है। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, डिपार्टमेंट जब ऑडिट करेगा तब उसमें कोई स्कोप है नहीं, नोटिस आ गया 15 वर्किंग डेज का ऑडिट होगा, और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलना चाहिए, मिलना जरूरी है। बाकी बेस्ड ऑन द ऑडिट शो कॉज नोटिस यानी कि SCN तो दोनों में मिलेगा। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, अगर डिफरेंस बिटवीन पूछा तो आपको याद भी होना चाहिए, सो दैट आप उसको रिप्रोड्यूस कर पाओ या लिख पाओ। सो ये डिफरेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है व्हाइल वी आर स्टडिंग ऑडिट अंडर जीएसटी लॉ। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑडिट बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कॉस्ट अकाउंटेंट। तो ये जो ऑडिट है, दिस ऑडिट इज बेस्ड ऑन द टर्नओवर, सिंस इसके ऊपर हम लेटर ऑन, ये जो ऑडिट बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट है इसके ऊपर हम लेटर ऑन डिस्कशंस और करने वाले हैं, इसलिए अभी पढ़ते समय इसके ऊपर मेरा डिस्कशन लिमिटेड रहेगा। वी विल बी डिस्कसिंग लिमिटेड ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक और दिस पर्टिकुलर पॉइंट व्हेन वी से ऑडिट बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कॉस्ट अकाउंटेंट, क्योंकि इसे हम एनुअल ऑडिट भी करते हैं, एनुअल ऑडिट भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर हमारा डिस्कशन लिमिटेड रहेगा, उसका रीजन ये है कि इसके ऊपर हम बाद में भी एक बार और रीलुक करने वाले हैं। सो एक क्विकली इसको सिर्फ हम लोग एक बार पढ़ने की या समझने की कोशिश करते हैं। सो अप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑडिट, जीएसटी ऑडिट अप्लीकेबल किसको है, अगर आपका किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर एक्सिड करता है ₹2 करोड़ तो आपको ये स्पेशल ऑडिट इज अप्लीकेबल। सो इफ इन एनी फाइनेंशियल ईयर योर टर्नओवर एक्सिड्स ₹2 करोड़ देन फॉर दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर यू आर सपोज टू कैरी ऑन द जीएसटी ऑडिट विच इज टू बी डन बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कॉस्ट अकाउंटेंट, वो कोई भी हो सकता है, और ये एनुअल है, ये आपको खुद को करना है, आपको खुद को चूज करना है कि कौन सा सीए और कौन सा सीए में आपका ये ऑडिट करेगा। ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स सबमिट करना है,
एक रिकंसिलेशन सबमिट करना पड़ता है जीएसटीआर 9C में और इसका ड्यू डेट है ऑन और बिफोर 31st दिसंबर ऑफ द फॉलोइंग ईयर। मतलब मान लेते हैं अगर मैं 1920 का अगर हम ऑडिट कर रहे हैं तो 1920 के बाद में 31st दिसंबर यानी कि 31 दिसंबर 2020 तक की ऑडिट कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर मैं 2021 की बात कर रहा हूं तो 31 दिसंबर 2021 के पहले ये ऑडिट कंप्लीट हो जाना चाहिए। बुक्स एंड रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन, ये हम अकाउंटिंग या अकाउंट्स वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आपको कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, कितने पीरियड के लिए मेंटेन करने हैं, 72 मंथ्स का जो पीरियड था या क्राइटेरिया था, ये हम लोग ऑलरेडी अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स के वीडियो में या चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो आपको अपना आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाई का रजिस्टर, इनपुट टैक्स क्रेडिट का रजिस्टर, आरसीएम में जो लाइबिलिटी उसका रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। ये बुक्स ऑफ अकाउंट आपको मेंटेन करने हैं एट एवरी रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, राइट। आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भी मेंटेन कर सकते हो एंड दिस बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर टू बी रिटेन्ड फॉर 72 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द एनुअल रिटर्न्स ऑफ द सेड ईयर। ये हमने ऑलरेडी अकाउंट्स वाले चैप्टर में इसके ऊपर डिटेल में देखा है, सो आप डायरेक्टली वहां से रीड कर सकते हो। अब अगर ऑडिट हो गया, एक सीए और कॉस्ट अकाउंटेंट अगर आपको ऑडिट कर रहा है तो आपको क्या क्या सबमिट करना है। एक तो एनुअल रिटर्न सबमिट करना है, कॉपी ऑफ ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स आपको सबमिट करनी है, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट्स सबमिट करने हैं और जो फॉर्म नंबर 9C है उसे सर्टिफाई करके आपको अपलोड करना है या सबमिट करना है। दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट द ऑडिट अंडर द जीएसटी लॉ। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप उनका नोटिंग करके रखो। यू कैन एक्सपेक्ट मिनिमम 1 मार्कर क्वेश्चन ऑन दिस चैप्टर या इससे ज्यादा मार्क्स का भी हो सकता है। So we end this video here. Thank you.